हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम सबसे पहले एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है, जो सारे गामा पाधा निशा सात सुर हैं, हम उसे कैसे प्ले करें किसी भी एक नोट से। जैसे सी हमारे पास, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ओके, तो अब सी से हमें पता है कि सी से ये पूरी वाइट कीज सारे गामा पाधा निशा बन जाता है। अब सा कहीं भी हो सकता है, सा कोई एक पर्टिकुलर सी ही नहीं है, इसे भी जी को भी हम सा मान सकते हैं, ई को भी सा मान सकते हैं, जी शार्प ये जी है तो ये जी शार्प, इसे भी हम सा मान सकते हैं, इसे भी सा, कोई भी एक नोट सा हो सकता है। अब हम वहाँ से सारे गामा पाधा निशा कैसे बजाएं, तो बहुत सिंपल थ्योरी है इसकी। सात सुर होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, सात सुर होते हैं। इसमें रे गा धा नी कोमल होता है और मा तीव्र होता है। जैसे सा रे, रे का कोमल होगा ये, मतलब सी शार्प। गा का कोमल होगा ये, डी शार्प। ओके, और अब आगे माँ, ये सा रे गा मा, मा का सिर्फ सात सुरों में माँ ही एक ऐसा सुर है जो एक स्वर अपने अप होता है, वो तीव्र कहते हैं उसे हम। जैसे ये सा है तो एक सर, एक स्वर अप हो गया, ये ऊपर, ये हो गया तीव्र माँ। ठीक है, तो सा रे, रे का एक नोट नीचे होता है कोमल रे, गा का एक नोट नीचे होता है कोमल गा, माँ का एक स्वर ऊपर होता है तीव्र माँ, पा अपने स्थान पे नहीं हटता, पा जगह पे रहेगा, धा का कोमल धा होता है, नी का कोमल नी होता है। अगर इस हिसाब से हम समझें कि रे गा धा नी इसका कोमल है, गा का कोमल, धा का कोमल, नी का कोमल और मा का तीव्र, तो हम कहीं से भी अगर स्वर पकड़े, जैसे अब मैंने यहाँ ये है एफ, इसको मैंने सा माना, तो सा के बाद कोमल रे रहता है, हमें पता है कोमल रे उसके बाद का ही स्वर होगा, तो शुद्ध रे ये है, तो सा के बाद रे एक नोट छोड़ के, गा भी एक कोमल होता है तो एक नोट छोड़ के गा। ठीक है, उसके बाद माँ का तीव्र होता है, तो माँ का एक स्वर ऊपर है, ये माँ तीव्र है, तो शुद्ध माँ कहाँ रहा, ये, तो सा रे गा माँ, पा अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि तीव्र माँ ये था, तो पा ये रहेगा, पाए रहा, कोमल धा का कोमल धा होता है तो हमें पता है कि शुद्ध धा ये होगा, और कोमल नी होता है तो शुद्ध नी ये रहेगा और ये सा। तो ये सारे गामा पाधा निशा क्या बन गया, सा रे गा मा पा धा नी सा। मैं आपको दूसरे तरीके से और बता देता हूँ जिससे आपको इजी पड़ जाए। अब देखिए, रे गा धा नी कोमल और मा तीव्र है, ठीक है, तो कोमल स्वर हमेशा शुद्ध स्वर के बाजू में होता है, जैसे कि जैसे मान के चलिए ये आप ये ए, ये आप पकड़िए कि ये सा है। अब उसके बाद हमें शुद्ध रे पकड़ना है, शुद्ध रे कहाँ होगा, तो कोमल रे हमें पता है कि कोमल रे एक नोट नीचे ही होता है रे के, और सा के बाद वाला स्वर ही रे होता है शुद्ध रे, तो कोमल रे क्या हुआ ये, तो हमें शुद्ध रे में ध्यान देना है, तो सा रे एक नोट छोड़ के फिर गा होता है, तो एक नोट छोड़ के ये गा, माँ हमेशा गा के नज़दीक होता है बाजू में क्योंकि माँ तीव्र उसके ऊपर होता है, तो सा रे गा माँ, पा उसकी जगह पे रहेगा ये, धा एक नोट छोड़ के, धा के बाद ये धा है, ये धा के बाद नी एक नोट छोड़ के, और फिर उसके बाद सा, ये सा। तो यहाँ देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये समझिए कि सा के बाद एक नोट छोड़ के रे शुद्ध रे, फिर एक नोट छोड़ के शुद्ध गा, फिर मा गा के तुरंत बाद रहता है, फिर एक नोट छोड़ के पा, एक नोट छोड़ के धा, एक नोट छोड़ के नी, और उसके बाद सा। अब जैसे सी शार्प ये है, सी शार्प से एक नोट छोड़ के रे ये है, फिर एक नोट छोड़ के गा ये है,
फिर माँ, उसके तुरंत बाद का। एक नोट छोड़ के पा ये है, एक नोट छोड़ के धा ये है, एक नोट छोड़ के नी ये है, और ये सा ये है। इस तरीके से आप कहीं से भी इसको प्ले कर सकते हैं। अगर आप इसको रिपीट कर करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैंने इसे एक्सप्लेन किया है कि सारे गामा पाधनी सा हम कहीं से भी कैसे प्ले कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।